नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम एडेनियम और अरेबिकम्स के लिए अन्य प्लांट की ही तरह बहुत ही अच्छा है, पर इसी मौसम में अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो रूट रॉट यानी कि जड़ों की गलन से ये प्लांट मर भी सकता है। अगर आपके पास एक या दो प्लांट है तो आप इसे शेड में रख सकते हैं, पर जब आपके पास मेरी तरह 100 से ज़्यादा प्लांट है तो इसे बारिश में रखना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि दूसरे प्लांट की ही तरह एडिनियम को भी बारिश में रखें, क्योंकि इसी समय एडिनियम की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। अगर आप इस वीडियो में दिखाई गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपके एडिनियम्स न सिर्फ बारिश में लेकिन बारिश के बाद भी हेल्दी रहेंगे और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपके पास छोटे छोटे सीडलिंग्स है तो इसे आपको शेड में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसके जो सॉफ्ट रूट हैं वो तुरंत ही गल जाएंगे। तो आप इस बारिश में अपने सीडलिंग्स को शेड में ही रखिए। जैसे ही बारिश रुके, आपको ट्राइकोडर्मा विरिड नाम का ऑर्गेनिक फंगिसाइड आधी चम्मच जितना 1 लीटर पानी में अच्छे से मिला देना है। यह फंगिसाइड बहुत ही असरकारक है प्लांट को रूट रॉट से बचाने के लिए। तो दोस्तों, आप इसका यूज़ जरूर करें। आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा विरिड नाम का फंगिसाइड ना हो तो आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हो। इस लिक्विड को आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ इस तरह से सभी प्लांट में डालना है। दोस्तों, 1 लीटर सॉल्यूशन से आप मिनिमम 10 पॉट में ये सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड में बेनिफिशियल बैक्टीरियास होते हैं, जिसे एक बार मॉइस्चर मिल जाता है तो ये प्लांट के रूट को किसी भी फंगल डिसीज से या फिर फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता रहेगा। बारिश की सीजन में एडिनियम प्लांट में मॉइस्चर होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। तो आपको इसी सॉल्यूशन को 10 दिन में एक बार सारे प्लांट पर कुछ इस तरह से स्प्रे कर देना है। इस तरह पत्तों पर स्प्रे करने से सारे पत्तों पर फंगिसाइड का एक लेयर लग जाएगा, जिसे ये प्लांट को किसी भी फंगल डिसीज से प्रोटेक्ट करता रहेगा और आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। इस फंगिसाइड का स्प्रे आप किसी भी प्लांट पर 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके जो सारे प्लांट्स हैं इसको फंगल डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।